भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, जरूरत है कि भीड़ को, लोगों को भी खुद समझना होगा और लॉकर को भी बढ़ाया जाए कि ये लोग अपने फोन जमा करा पाए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी दर्शन करके आए हैं। आप लोगों के दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, हमारे दर्शन हो गए। कब से इंतजार कर रहे थे आप? बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन। व्यवस्था है जो है लॉकर रूम्स की, जो व्यवस्था है थोड़ी दुरुस्त हुई है? अच्छी हुई है, अच्छी हुई है। अच्छा देखिए कुछ लोगों के दर्शन हो चुके हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं डिप्लॉयमेंट दिखा दूं, एक बार फिर से डिप्लॉयमेंट दिखा दूं। देखिए ये आपको पुलिस पर्सनल जो है अभी भीड़ को तितर बितर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ स्थानीय लोग भी, ताकि पैनिक सिचुएशन ना हो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, लोग क्योंकि घंटों से इंतजार कर रहे हैं, वो थोड़े रामधुन गाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि जो लोग हैं जो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं वो ज्यादा इरिटेट ना हो, राम नाम की धुन जो है यहाँ पर सुनती नजर आ रही है। अच्छा कुछ लोग देखिए गंगा जल हाथों में लेकर आए, गंगा जल लेकर आए, कुछ लोग देखिए फूलों की माला लेकर आए। अरुण देखिए सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही रही है, लेकिन पहला दिन है, भक्तों को समझाया नहीं जा सकता कि पहले दिन ना आए, लेकिन क्या लॉकर की व्यवस्था या जो व्यवस्था है दुरुस्त होनी चाहिए वो हो रही है क्या बाहर? देखिए अभी बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जो होना बाकी है। आप देखिए अभी ये मंदिर बन करके तैयार है और मंदिर के आसपास जैसे सामान की स्कैनिंग होनी है, आप देखिए तस्वीरें, ये बोर्ड लगा है सामान की स्कैनिंग, बैगेज स्कैनिंग, लेकिन अभी ये व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। उम्मीद थी कि लोग आएंगे, लेकिन इतने सारे लोग इकट्ठा आ जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग वापस भी जा रहे हैं। आप लोग दर्शन कर लिए? हाँ बिल्कुल, दर्शन हो के आए, बहुत बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत आनंदित, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, अलौकिक मजा आया। और बस से गाड़ियां सब बंद थी, बड़ी परेशानी और कठिनाई से यहाँ आए, पर यहाँ आने के बाद वो खुशी मिली, वो आनंद मिला। हाँ तो हम अम्मा दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन हो गया। जय श्री राम, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद जोर किया, धन्यवाद शंकर भगवान की जय श्री राम। एक बात है, मूर्ति देखने के बाद आंखों में लल्ला ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है, लल्ले की मूर्ति ही दिखाई देती है, वो बस गई है आंखों में और यही ये बची हुई है, अब केवल उसी का नजारा दिख रहा है। घर सेवा करके गए थे, आज दर्शन करके जा रहे हैं। देखिए कल सेवा करके गए थे, आज दर्शन करके जा रहे हैं, और प्रभु श्री राम की जो मूरत आंखों में बस गई वो निकल नहीं रहे। रवि लोग कह रहे हैं एक बार आंखों में बसे प्रभु श्री राम तो फिर उनकी मूरत निकल नहीं रही है दिल से और दिमाग से। रवि, अरुण मेरे साथ इस समय श्री रजनीश महाराज जी हैं और सीधे काशी से आए हैं दर्शन करने के लिए। काशी में तो काफी कुछ बदलाव हो गया, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए कि नहीं आपके? रामलला के दर्शन हो गए और रामलला ने मेरे रोम रोम को धन्य कर दिया। हाँ। रोम रोम में राम बसे हैं, वह रोम रोम आज राम के दर्शन से रिनी हो गए। कितना टाइम लगा अंदर पहुंचने? 20 मिनट का समय लगा, सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में रामलला का, बहुत लोग तो दो दो घंटा से इंतजार कर रहे हैं। रामलला की कृपा है, हम सुबह सुबह आए, बिल्कुल सामने सुबह जैसे कपाट खुले, जैसे कपाट खुले बस वैसे ही दर्शन। जी आप कहाँ से? कहाँ से? देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप भी दर्शन कर लिए? नहीं हम लोग जा रहे हैं, अभी जा रही हैं। तो अभी देखे तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो सुबह आए थे कपाट खुलने से पहले उनको इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ा, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, ये देखे यहाँ पर सामान देख रहे हैं कि आखिर में उनके लोग, उनके परिवार के लोग दर्शन करने के अंदर गए हैं, वापस आए, इसके बाद फिर इनका नंबर आएगा। लेकिन हम चलते हैं सहयोगी सपना के पास में। सपना, वहां पर क्या तस्वीर दिखाएंगे आप? रवि देखिए हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनसैलाब उमड़ आया है लोगों का दर्शन करने के लिए। देखिए रामचरितमानस में भी ऐसा ही था कि आप देखिए कि राम आए हैं तो लोग अटारियों पर चढ़ गए हैं, सब जगह बस एक झलक पाना चाहते हैं, और ऐसा यहाँ पर भी है। स्वाभाविक है इतना भीड़ होना, लेकिन यहाँ पर मुस्तैदी ज्यादा होना जरूरी है, लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी है कि आप फोन नहीं ले जा सकते, आप ये चीजें नहीं ले जा सकते, लाइन लगा लीजिए, कहाँ से एंटर होना है, दो एंट्री गेट बनाए जाए, ये तमाम चीजें हैं। इतनी भीड़ होना स्वाभाविक है। अरुण का रुख करते हैं,
अरुण, क्योंकि आप एंट्रेंस पर मौजूद हैं, क्या वहाँ पर कोई पुलिस फोर्स ऐसी लगाई गई जो लोगों को बताए समझाए या वहाँ पर थोड़ा सा रोके, भीड़ को काबू करे? देखिए अभी पुलिस उतनी पर्याप्त नहीं है कि लोगों को रोक पाए। मैं तस्वीरें दिखा दूं एक बार, भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब हुआ ये है कि दर्शन भी हो रहा है, तो जब लोग दर्शन करके निकल रहे हैं तो अंदर भीड़ थोड़ी कम हो रही है। मेरे साथ पंजाब और दिल्ली से आए सिख समाज के लोग हैं, प्रभु के दर्शन हुए? जी बिल्कुल, प्रभु के दर्शन हुए, मन अत्यंत खुश है। और भगवान के दर्शन बहुत नजदीकी से जाकर हुए हैं। कैसी लगी प्रभु की मूर्त? बहुत अच्छी, हम पास में जाके दर्शन करके आए, पुलिस वाले तो भगा रहे हैं, मगर हम भीड़ भी धक्का मार के फटाफट दर्शन करके आए भगवान। धक्का मार के माता जी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपको? बहुत ही बढ़िया, हम तो 13 जनवरी से यहाँ पर आ रखे हैं, हमारे ठाकुर दलीप सिंह जी के हुक्म से लंगर लगा पड़ा है हमारे यहाँ पर, हम दिल्ली से आए हैं और अभी 28 तक यहीं पर ही हैं हम। आपको कैसी लगी प्रभु की मूर्त? बहुत अच्छा जी, हम तो भगवान राम जी के दीवाने हैं, उनके दर्शन करने आए थे। सदगुरु जी हुक्म करते हैं कि त्रेते थे मानो रघुवंश राम रघुवंश को आयो, कालयुग पर मान नानक अंगद अमर का आयो। ये गुरु नानक देव जी की तरह हमारे बड़े अवतार है, पहले अवतार है, तो कलयुग में भगवान राम तो गुरु नानक देव जी बन के आए, तो हमारे सदगुरु जी हैं। गुरु नानक जी, सदगुरु जी, प्रभु श्री राम, ये दिव्य दर्शन जो हुए हैं, सिख समाज के लोग देखिए कितने आनंदित हैं, खुश हैं, हर्षित हैं, और यही भारत की खूबसूरती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मोनिका, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए दर्शकों को। शंखनाद हो रहा है, या देखिए शंखनाद हो रहा है, लोगों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज पहला दिन है, ये चाहते थे राम मंदिर बने, इनकी तपस्या खत्म हुई है, इंतजार खत्म हुआ है, अब धैर्य नहीं हो रहा है और विशेष नहीं है लोगों में, वो चाहते हैं पहले दिन ही दर्शन कर ले। लेकिन आप देखिए श्रद्धालुओं की गर्म जोशी अभी बरकरार है, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, अभी भी जो लोग हैं वो गेट से आ रहे हैं बैग लेकर, थैला लेकर। अच्छा, कुछ लोग तो सिर्फ प्रसाद और फूल लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो पूरा बैग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका उनको पता ही नहीं है कि मेन एंट्री पर ये रखा जा रहा है कि लॉकर रूम्स है, वहाँ पर सामान रखना है आपको, आपको ऐसे नहीं आना है अंदर। लेकिन यहाँ पर देखिए राम धुन बजती हुई नजर आ रही है, सिचुएशन देखिए किस तरीके से पैनिक होती नजर आ रही है। सपना हमारी सही होगी, लगातार बनी हुई है। सपना, क्या दिखाएंगे आप? मोनिका, इतनी भीड़ है, लेकिन इन सब के बीच में मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ, आस्था क्या होती है, जरा देखिए इस बच्ची को, देखिए ये देखिए, भीड़ के बीच में इस बच्ची को देखिए, बच्चे रोने लगते हैं भीड़ के बीच में, लेकिन ये बच्ची आनंद ले रही है। मैं इस देश में आस्था क्या है उसकी एक वानगी आपको दिखा रही हूँ, तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। लोग घंटों लाइन में खड़े होने को तैयार है, लेकिन उन्हें रामलला की झलक चाहिए। ये छोटी सी बच्ची कैसे उसके माता पिता उसे लेकर आए हैं और वो वहाँ पर तालियां बजा रही है। अब यहाँ पर व्यवस्थाओं की तस्वीर दिखाती हूँ, थोड़ी सी व्यवस्था आपको दुरुस्त होती दिखाई देगी। थोड़ी सी रैपिड एक्शन फोर्स आई, उसे लगा दिया गया है, पुलिस का दल बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, चेन बना दी गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, पुलिस के लिए भी प्रशासन के लिए भी उसे काबू करना थोड़ा मुश्किल होगा कि भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। रवि का रुख करते हैं। रवि, आस्था किसी भी चीज पर भारी पड़ सकती है, वो हमने देखा है, लोग घंटों लाइन में खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें आज ही दर्शन कर लेने हैं। घंटों ही नहीं, पूरे दिन लाइन में लगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर पूरा दिन लग जाएगा, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, जब भी मौका मिलेगा बिना दर्शन किए वो वापस नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार मैं दाहिने तरफ तस्वीरें दिखाऊं, तमाम ये बैग आपको तस्वीर दिख रही है बैग की, ये ऐसे लोग हैं जो अपनों का सामान की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि लॉकर उतने ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में इनके परिवार के लोग, यार दोस्त, वो अंदर दर्शन करने के लिए गए हैं और ये सामान को देख रहे हैं। कहाँ से आप? दुलिया तालो। अच्छा, सामान दर्शन हुए? नहीं, जायल है, मैं यहाँ अभी जाएंगे, आप बताएं। मैं गुना जिला मधुसूदनगढ़ से हूँ। दर्शन हुए? मैंने दर्शन कर लिए हैं। आप तो दर्शन कर गर्भ जून में बिल्कुल शांति से बढ़िया दर्शन करके अंदर से ही आ रहे हैं। अब उनके सामान को हम देख रहे हैं। सामान कहाँ रखा था आपने? अपना आदमी छोड़ा था। अच्छा, कोई एक आदमी था, सामान लॉकर में लाइन नहीं लगने नहीं मिला। लॉकर में तो जगह ही नहीं, लॉकर तो जगह नहीं, तो व्यवस्था वैसे अभी है नहीं, व्यवस्था नहीं हो पा रही, बाकी अंदर अच्छा है। और ये सामान अपना खुद देखना पड़ता है, रुक के
वहाँ से होकर हम जो परेशानी है आज मेरा पूरा उछल होगा। मैं वेस्ट बंगाल से आया है, दो दिन बहुत परेशानी हुआ है इधर उधर भटक कर। परेशानी तो हो रही है, लोगों की तकलीफ जरूर है, लेकिन फिर भी दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। चलते हैं अरुण के पास। अरुण, क्या तस्वीर दिखाएंगे? परेशानी और इस तकलीफ के बीच हमारे साथ दीपक नूर हैं। दीपक नूर जी, आपने जो गाना गाया वो घर घर गाया जा रहा है, जरा एक बार फिर गाइए उसको। ये गाना है हमारा जो हमने मुंबई में रिकॉर्ड किया था, शायद मालन हो। अरे सज रही है नगरी, पकवान बन रहे, उड़ता है रंग भगवा, खड़ताल बज रहे, घर घर जलाओ दीप, घर घर जलाओ दीप, जश्न की है रात सी, बरसों बाद आज, बरसों बाद आज, राम जी की घर है वापसी, बरसों बाद आज, राम जी की घर है वापसी, घर वापसी, घर वापसी। तो घर वापसी हो गई प्रभु की, अब क्या गाएंगे? अब गाएंगे हे राम नाम की गूंज जगत में, बजे राम का डंका, लगा तिलक माथे पे राम का, मिटा भरम शब शंका, जर झाकले मन के अंदर, जर झाकले मन के अंदर, तोहे दर्शन देंगे राम, कण कण में राम, मन मन में राम, तेरे मन में राम, मेरे मन में राम।